इस हवेली में राजा रजवाड़े के जमाने के शतरंज, चौपाड़, सांप सीढ़ी और गंजीफे आज भी मौजूद हैं, जिसका उपयोग राज परिवार की महिलाएं खेल, व्यायाम तथा मनोरंजन के लिए किया करती थी। हवेली में स्वर्ण तथा अन्य बेशकीमती अलंकारों के रखने के लिए अलग से तहखाने बनाए हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी भले लंबी हो, लेकिन आप आखिर तक वॉच करना, आपको तहखाने की खुफिया चीज़ें और ऐतिहासिक चीज़ें, राजा महाराजाओं के कपड़े से लेकर हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे। प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच करना। दोस्तों, हमारी एक नई वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जो होने वाली है उदयपुर की बागोर की हवेली, जो बहुत ही फेमस है, तो एक इतिहास कारक है। वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है और हवेली बहुत अच्छी है। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर से आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। चलिए, बागोर की हवेली उदयपुर राजस्थान का एक आकर्षक पर्यटन स्थल माना जाता है। इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। हवेली में 138 कमरे हैं। हर शाम को 7 बजे से मेवाड़ी नृत्य का, राजस्थान नृत्य का आयोजन बागोर की हवेली में किया जाता है। ऐतिहासिक बागोर की हवेली में वास्तुकला एवं भित्ति चित्रों को इस तरह से संजोया गया है कि यहां आने वाले देश विदेशी पर्यटक इसे देखना नहीं भूलते। खासकर इस ऐतिहासिक हवेली को पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रों का मुख्यालय बनाए जाने से यहाँ की रौनक नए सिरे से बढ़ गई है। बागोर की हवेली का निर्माण वर्ष 1751 से 1781 ई के बीच मेवाड़ के शासक तत्कालीन प्रधानमंत्री अमरचंद्र बड़वा की देखरेख में हुआ था। ऐतिहासिक पिछोला झील के किनारे निर्मित इस हवेली में 138 कक्ष, बरामदे एवं जरोखे हैं। हवेली के द्वारों पर कांच एवं प्राकृतिक रंगों से चित्रों का संकलन आज भी मनोहारी है। इस हवेली में स्नान घरों की व्यवस्था भी है, जहां मिट्टी, पीतल, तांबा और कांस्य की कुंडियों में दुग्ध, चंदन और मिश्री का पानी रखा होता था और राज परिवार के लोग सीढ़ी पर बैठकर स्नान किया करते थे।
मेवाड़ के इतिहास के अनुसार महाराणा शक्ति सिंह ने बागोर की इस हवेली में निवास के दौरान ही त्रिपोलिया पर महल का निर्माण कराया था, जिसका 1878 में विधिवत मुहूर्त हुआ था। लेकिन इसके बाद से ही बागोर की हवेली की रौनक कम होने लगी। इतिहास के अनुसार वर्ष 1880 में महाराणा सज्जन सिंह ने बागोर की हवेली का वास्तविक स्वामी अपने पिता महाराणा शक्ति सिंह को घोषित कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बाद के वर्षों तक उत्तराधिकार के अभाव में यह अपेक्षित रही। इतिहास के अनुसार वर्ष 1930 से 1955 के बीच महाराणा भूपाल सिंह ने इस हवेली का नए सिरे से जीर्णोद्वार कराकर इसे राज्य की तीसरी श्रेणी का विश्राम गृह घोषित कर दिया। मेवाड़ रियासत के राजस्थान में विलय के बाद यह हवेली लोक निर्माण विभाग के अधिकारी में चली गई। वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सांस्कृतिक विकास के लिए देश में सांस्कृतिक विकास केंद्रों की स्थापना की और इसी क्रम में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय इस हवेली में बनाया गया। इसके बाद केंद्र के सौजन्य से इस ऐतिहासिक हवेली की साफ सफाई एवं नए सिरे से रंग रोगन किया गया। केंद्र के अधिकारियों ने अनुसार साफ सफाई के दौरान हवेली के जनाना महल में 200 वर्ष पुराने मेवाड़ शैली के भित्ति चित्र मिले हैं, जो यहाँ के राजा रजवाड़े के जमाने के रहन सहन एवं ठाट पाट को प्रदर्शित करते हैं। इसके अनुसार इस हवेली को व्यक्तिशीत करने में करीब 5 वर्ष लगे। इसके बाद यहाँ पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं उस दौर में ये राजा महाराजाओं के बेडरूम हुआ करते थे, जो चांदी से पूरे सजे हुए हैं। आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका ठाट उस दौर में कैसा होगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक आजादी से पूर्व राजा महाराजाओं के जमाने में ये हवेली अति सुरक्षित क्षेत्र में आती थी और इस इलाके में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था। स्थानीय निवासियों के मुताबिक उनके पूर्वज ऐसा कहा करते थे कि बागोर की हवेली पर्याप्त जल क्षेत्र एवं सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी, इसलिए पिछोला झील के किनारे हवेली का निर्माण किया गया था। इस हवेली में राज परिवार को छोड़कर किसी को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। वैसे अनुमानों के मुताबिक पिछले एक दशक में इस हवेली के प्रति देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रत्येक मौसम के लिए अलग अलग रंग में रंगे कक्षों की साफ सफाई एवं मरम्मत से उदयपुर की 250 साल पुरानी बागोर की हवेली पर्यटकों को खूब लुभाती है। इस हवेली में ऐसे अनेक कक्ष अलग अलग रंगों में रंगे हैं,
जिनका उपयोग मौसम के अनुकूल हुआ करता था। इन कक्षों में सुसज्जित वस्त्रों का इस्तेमाल भी उसी के अनुपूत होता था, जैसे फाल्गुन माह में फगुनिया एवं श्रावण में लहरिया। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर ले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।